हेलो व्यूअर्स, मैं कल्पना सालवी, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज मैं आपके सामने अगेन एक एम्ब्रॉयडरी को लेके प्रस्तुत हूँ, जिसको कशीदा ऑफ कश्मीर कहते हैं। होप मेरा दिया हुआ नॉलेज आप सबको समझ जाएगा और आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। कशीदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह मुस्लिम पुरुष द्वारा ये शॉल पे किया जा रहा है, और बहुत ही इंटीग्रेट और डेलिकेट डिजाइन वो हाथ से डेवलप कर रहे हैं। सेकेंड जो स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम पुरुष इस एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे हैं। उन्होंने फैब्रिक पे एक जाल डेवलप किया है जो कंटिन्यूस रिपीट में चल रहा है। अब हम इसके ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो मुगल पीरियड में कश्मीर में हुआ, और सबसे पहले श्रीनगर के रेजिडेंट्स जो थे, रहने वाले जो थे, उन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने इसको बनाने का इनिशिएशन किया। और ये जो मुगल एम्परर्स थे और जो रॉयल फैमिलीज ऑफ कश्मीर थी, श्रीनगर की जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके द्वारा इनको पहना और ओढ़ा जा रहा था। और वहां के रहने वाले पुरुषों द्वारा, स्पेशली आई एम मेंशनिंग इट्स डन बाय मेंस ओनली। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमनली यूज फैब्रिक जो है वो सिल्क, वुल और कॉटन है। आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि किस तरह से सिल्क, वुल और कॉटन का जो सैंपल्स हैं वो बहुत ही अच्छी सी ब्यूटिफाइड डिजाइन्स के साथ है। थ्रेड्स जो है इसमें कॉमनली यूज थ्रेड्स हैं, वुल थ्रेड, सिल्क थ्रेड, कॉटन थ्रेड एंड यार्न ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दीज आर ऑल कॉमनली यूज थ्रेड्स। स्टिचेस की अगर हम बात करें, इसमें इसका जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर जो है स्टिच का, वो ये है कि इसमें सिर्फ सिंगल थ्रेड से डिजाइन डेवलप किया जाता है, मोटिव डेवलप किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि फ्लैट फॉर्मलाइज अपियरेंस देता है फैब्रिक पे। इसमें साटन स्टिच यूज होती है जो फैब्रिक के लार्ज स्पेस को कवर करने के लिए यूज की जाती है, सरफेस को कवर करने के लिए यूज की जाती है, जो क्लोथ को पकड़ करके, पुल करके, और एक बहुत ही अच्छा मोटिव इससे डेवलप होता है। आप इस देख सकते हैं कि इसमें चेन स्टिच का भी यूज हुआ है, जो इन्फीरियर पीसेस को में यूज आती है, और इससे एक एक्सपेंसिव, इन एक्सपेंसिव वर्क डेवलप होता है। एक्सपेंसिव पीस ऑफ वर्क इससे डेवलप नहीं होता है। द थर्ड थिंग इज इसमें स्टेम स्टिच यूज होती है जो मोटिव्स के बाउंड्रीज को कवर करने के लिए की जाती है। देन फोर्थ स्टिच जो इसमें यूज होती है, हेरिंग बोन होती है, आप सैंपल में देख सकते हैं। देन इसमें डार्निंग स्टिच भी होती है जो मोटिव्स की इंटीरियर पार्ट को कवर करने के लिए काम में आती है। अगर हम कलर्स की बात करें जो शॉल्स में कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो इसमें व्हाइट सॉफ्ट, ग्रीन जिनगरी, पर्पल उदा, ब्लैक मुश्की, ब्लू फिरोजी, क्रिम्सन गुलनार और स्कारलेट किरमिज। जो साथ में मैं आपको वर्ड्स डिफाइन कर रही हूँ, ये सारी उर्दू वर्ड्स हैं। मोटिव्स की अगर हम बात करें तो इसके मोस्ट ऑफ द मोटिव्स जो है वो नेचर से इंस्पायर होके बनाए जाते हैं, और आज के टाइम में इसमें फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी डिजाइन एंड मोटिव डेवलप किए जा रहे हैं। जो मेन मोटिव्स इसमें यूज किए जाते हैं वो होते हैं बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये इसके कुछ बेसिक मोटिव्स हैं जो नेचर से इंस्पायर होकर इसमें किए जाते हैं। बर्ड्स के जो मोटिव्स होते हैं उसमें सबसे मेन मोटिव्स की बात करें तो पैरोट, वुडपेकर, कैनरी, मैकपी एंड किंगफिशर, ये बर्ड्स जो है वो मेनली डिजाइन में बनाई जाती है। फ्लोरल मोटिव्स की बात करें तो आयरिस, लोटस, लिली और सेफ्रॉन फ्लावर्स शॉल्स एंड फैब्रिक्स को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रूट मोटिव्स की बात करें तो ग्रेप्स, चेरीज, आलमंड्स एंड एप्पल ब्लॉसम्स, ये सारी फ्रूट्स एज अ मोटिव इंस्पायर होके यूज किए जाते हैं।
आप देख सकते हैं स्लाइड में जो मोटिव्स डिजाइन के और साइज के वेरिएशन, शेप और कलर के वेरिएशंस आप देख सकते हैं फैब्रिक के ऊपर कि किस तरह से डिफरेंट मोटिव्स लिए गए हैं। बर्ड का मोटिव है, देन यू कैन सी अ पिकॉक मोटिव इन इट, यू कैन सी अ रोज मोटिव इन इट, लोटस मोटिव, लीफ मोटिव मोटिव। तो जो जाल बना हुआ है वाइट ब्लैक फैब्रिक पे और जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी पूरी तरह से भरी हुई है, ये अपना एक अलग ही लुक डिफाइन करती है। आप देख सकते हैं किस तरह से मोटिव्स नेक्स्ट स्लाइड में जो हैं, बर्ड्स के मोटिव्स हैं, देन पैरोट का मोटिव है इसमें, देन लीफ है इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अर्लियर इट वॉज डन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स। पहले के टाइम में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स पे की जाती थी, बट आज के टाइम में इट हैज बीन वाइडली यूज फॉर ड्रेसेस, साड़ीज, कोट, जैकेट्स, कुर्ता, मफलर, वेल, दुपट्टा, टर्बन, कर्टन्स, क्विल्स, टेबल लिनन, टी कोजी कवर, कुशन कवर्स, बेड स्प्रेड, टेबल मैट्स, फ्लोर कवरिंग। मीन्स लाइक आई वॉन्ट टू से यू कि किस तरीके से आज के टाइम में कंटेम्प्राइज होके कमर्शलाइज वे में इस एम्ब्रॉयडरी का यूज किया जा रहा है। फैशन एंड ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसका बहुत ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वुलन साड़ीज पे बहुत ही अच्छा इसका यूज हुआ है। देन यू कैन सी कुर्तीज, यू कैन सी स्टोल्स, देन बहुत ही सुंदर जो मैनिक्वीन है उसको शॉल ड्रेप करवाया है और इसमें बहुत ही अच्छा डिजाइन का जाल बना हुआ है। ऑस्कर डी ला रेंटा एक डिजाइनर है जिन्होंने ड्रेसेस पे भी इसका यूज किया है। देन नईम खान एक डिजाइनर है जिन्होंने लैक्मे फैशन वीक में इस एम्ब्रॉयडरी को यूज करके एंड डिजाइन डेवलप किया है। एंड यू कैन सी माय लास्ट स्लाइड जिसमें एक सैम्पल ऑफ फैब्रिक है जिसपे कश्मीरी कशीदा किया है। होप कश्मीरी कशीदे और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के बारे में मैंने जितना नॉलेज आपको दे पाई हूँ वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल होंगी विथ नेक्स्ट न्यू एम्ब्रॉयड्रीज। थैंक यू सो मच।